गीडा थाना क्षेत्र के तिनवा टोल प्लाजा से बागागाड़ा फोरलेन के बीच बुधवार को एक दर्जन से अधिक गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। एक बस पलट गई, हादसे में 11 यात्री घायल हो गए। इस दौरान सड़क पर घायलों की चीख पुकार मच गई। हादसे की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। अन्य यात्रियों को दूसरे वाहन से उनके गंतव्य को भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की भोर में घने कोहरे के चलते लखनऊ से देवरिया, कुशीनगर और बिहार की तरफ जा रही एक दर्जन से अधिक गाड़ियां आपस में टकरा गई। इसमें 11 यात्री घायल हो गए। मौके पर घायलों में चीख पुकार मच गई। रोते बिलखते लोगों की आवाज सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CSC सहजनवा भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया। घायलों में से बिहार के घायल 6 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वाहनों में एक बस भी पलट गई, इसमें सवार यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं, जिनका मौके पर ही प्राथमिक उपचार किया गया। SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि आपस में टकराई वाहनों को फोरलेन से हटवाकर आवागमन चालू कर दिया गया है। यात्रियों को दूसरे वाहनों से उनके घर भेज दिया गया है। घायल हुए लोगों का CSC से लेकर जिला अस्पताल तक उपचार कराकर उनके स्वजन को जानकारी देते हुए घर भेज दिया गया है। किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। वाहनों के आपस में भिड़ने की सूचना पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा बंधु, गीडा पुलिस CO कैंपियरगंज श्याम देवबिंद समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CO कैंपियरगंज श्याम देवबिंद एवं SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, उधर देखो ना कि एक नंबर दे रहे हैं, उस पे डाल दो यार। ठीक है, अरे सब सही है यार, इसमें लिखिए अपनी टीम मदद कर रही है, जो भी मदद हो पा रहा है। चार रुपये चिकन गोरखापुर की गाड़ी है, झिनकू मिलेगा, झिनकू कर देगा यहाँ से, ये टॉर्चर कर देगा, खोल तो देगा ना, लटन कर देगा यहाँ पर। उससे कहाँ ले जाएंगे सर, यहाँ इतने ट्रैफिक में, इसमें मुझे अभी वहाँ पे भी काम है। भैया तो भागा गाड़ा चीज चला गया।
आज सुबह 4:30 बजे के लगभग थाना गीडा अंतर्गत बागा गाड़ा फोर लेन पर घने कोहरे की वजह से आपस में कई गाड़ियां टकरा गईं, जिसकी वजह से कई लोगों को हल्की चोटें आई हैं और आवागमन थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ, लेकिन तत्काल गीडा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया गया। जिनको चोटें आई थी उन्हें तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनकी स्थिति नॉर्मल रही और इलाज के बाद उन्हें रिलीज किया गया। बाकी पुलिस द्वारा तत्काल आवागमन जो बाधित हुआ था, तत्काल गाड़ियों को हटवाकर आवागमन शुरू कराया गया और बाकी जो अन्य व्यक्ति थे उनको अन्य गाड़ियों से उनके गंतव्य स्थान पर रवाना किया गया। आज प्रातः बागागाड़ा फोर लेन पर काफ़ी घना कोहरा होने की वजह से 7 बजे के आसपास करीब 1.5 दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे एक यात्री बस पलट गई और उसमें सवार करीब 11 लोगों को मामूली चोटें आईं, कोई विशेष रूप से गंभीर रूप से जख्मी नहीं है। सभी यात्रियों को दूसरे वाहनों से उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया गया और जिनको चोट लगी थी उनको प्राथमिक चिकित्सा करवा करके उनके गंतव्य तक भेजा गया। आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है, सभी जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी उनको किनारे करवा दिया।